स्टार्टअप इंडिया, इंडिया का नाम आया ना, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, साइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। आज उस इंडिया से डर लग रहा है आपको मोदी साहब? भारत की बात कर रहे हैं आप, यानी जो काली कट के रास्ते या ना, मतलब भारत बोलना गलत है, हम गलत नहीं करें तो कर रहे हैं अंग्रेजों, हिंदुस्तान मेरा, सुने भारत कर रहे हैं, सुने इंडिया मेरा मुल्क है, मेरा देश है, हिंदुस्तान मेरा मुल्क है, मेरा देश है, समझे? ये इंडिया एनडीए की लड़ाई में अब भारत को क्यों घुसेर रहे हो तुम? आदमी को बेवकूफ बना रहे हैं एजेंडे से। इंडिया या भारत, इसको लेकर पूरी राजनीति में, भारत के राजनीति में घमासान मचा हुआ है। अभी देखा होगा आपने कि G20 का जो G20 की बैठक हुई, उसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे का जो एक जो होता है नेम प्लेट में भारत लिखा हुआ था, लेकिन जब वही नेम प्लेट पिछले वर्ष G20 का था तो उसमें इंडिया लिखा हुआ था। इसको लेकर तमाम तरह के लोग चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत का, इंडिया का नाम जो है भारत किया जाएगा, इंडिया जो है वो अंग्रेज़ों की गुलामी की निशानी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजकुमार पासवान जी हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या भारत का नाम बदला जा रहा है, आपको भी लग रहा है ऐसा? देखिए, इंडिया हो या भारत हो, सबसे पहले तो इंडिया नाम से ही जाने जाते थे, हिंदी रूपांतर उसको भारत कहते थे हम लोग। लेकिन जो नरेंद्र दामोदर मोदी साहब का हिटलर, जो नरेंद्र दामोदर मोदी साहब का हिटलर शाही रवैया जो रही है ना, और इस हिटलर शाही रवैया के कारण और बौखलाहट के कारण, डर के कारण वो भारत रख रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री जो हैं हमारे आदरणीय सम्मानीय नरेंद्र दामोदर मोदी मतलब साहब, जुमलेबाज भी बोल रहे हैं, आदरणीय सम्मानित भी बोल रहे हैं, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप? मौज ले रहे हैं? मौज थोड़ी ना ले रहे हैं, तो? सम्मान कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का। और आपको सच्चाई बता, मौज नहीं ले रहे हैं, सीरियस बात कर रहा हूँ मैं आपको कि देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी जब 14 का बिगुल चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़ने आए तो क्या कहे, याद है आपको? क्या कहे आप बताइए। इससे पहले कुछ मैं बोलूं उनके बारे में बताऊं तो एक छोटा सा मैं बात बता देता हूं। आज से पीछे चलिए 40 साल पहले जब इंदिरा गांधी जी ने एनएएम हाँ क्या हुआ एनएएम शिखर सम्मेलन करवाए थे इंडिया का, तो उसमें 100 से ज्यादा डेलीगेट्स आए थे विदेश से, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सभी देशों के आए थे। और ये कोई नया करवा रहे हैं G20? सूत्रों के मुताबिक G20 से 5 कंट्री गायब है, सूत्रों के मुताबिक, ये मैं बता रहा हूँ मैं सूत्रों के हवाले से। तो ये बताइए कैसा G20 हो रहा है? लेकिन देश की बात है, मैं सम्मान करता हूँ प्रधानमंत्री को, कार्यक्रम का सम्मान करता हूँ, लेकिन 14 में देश के प्रधानमंत्री जी क्या कहे? भाइयों बहनों, इंडिया गुलामी की जंजीरों में नहीं, इंडिया हमारा है, समझे, हम इंडिया वाले लोग हैं। 14 में भी कहा, 19 में भी कहा, उसके आगे क्या कहते हैं, एक से एक स्कीम का नाम वो उन्होंने रटा। अब बोला हर एक मंचों से, क्या क्या कहा, स्टार्टअप इंडिया, इंडिया का नाम आया ना, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, साइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। आज उस इंडिया से डर लग रहा है आपको मोदी साहब? भारत की बात कर रहे हैं आप, यानी जो काली कट के रास्ते वास्को डी गामा आया था, भारत की खोज पे आया था, भारत की खोज पे नहीं आया था, भारत को लूटने आया था वो, वास्को डी गामा कालीकट के रास्ते का कहा, ये भारत है। तो इन्होंने तो आरएसएस संघ वाले लोग ने मैं इसका अंग्रेजों का मुखबरी किया है, दलाली किया है, एजेंटगिरी किया है, तो लोग तो भारत बोलेंगे ही, समझे साहब? इंडिया मतलब नाम भारत बोलना गलत है, हम गलत नहीं करें तो कर रहे हैं अंग्रेजों, हिंदुस्तान मेरा, सुने भारत कर रहे हैं, सुने इंडिया मेरा मुल्क है, मेरा देश है, हिंदुस्तान मेरा मुल्क है, मेरा देश है, समझे? ये
एनडीए इंडिया और एनडीए की लड़ाई में अब भारत को क्यों घुसेर रहे हो तू? आदमी को बेवकूफ बना रहे हैं, एजेंडे से भड़का रहे हैं। एजेंडा क्या होना चाहिए भाइयों बहनों? जो 140 करोड़ आवाम है देश का, मुल्क का, उसका 65% युवा नौजवान घर में बेरोजगार क्यों बैठा हुआ है? इंडिया की इंडिया जीतेगी और हर एक युवा नौजवानों को रोजगार मिलेगा। 2 करोड़ नहीं, हर एक युवा नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मिला तो रोजगार कहाँ मिला रे भाई? आपको मिला? मर रहा है कोई? भूखा मर रहा है? आपको मिला? हम तो कर रहे हैं रोजगार अपना। अच्छा ये माइक? हाँ, आप तो पढ़ लिख के हम कर रहे हैं ना? आपने मास कम्युनिकेशन किया है, मीडिया की पत्रकारिता की पढ़ाई किया है, हम भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया है। आप इंजीनियरिंग कीजिए। हम भारत सरकार को नौकरी छोड़ करके राजनीति में आया, अन्ना मूवमेंट पार्टिसिपेट किया, आम आदमी पार्टी का कद्दावर नेताओं में से एक था। तो बेरोजगार नहीं ना? सुनिए, आज मैं बेरोजगार हूँ। किसके राज में? मोदी साहब के राज में। क्यों, नौकरी छीन लिया मोदी साहब ने? एकदम छीन लिया। वहाँ पे जाइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसकी सरकार है, किसका वाइस चांसलर है, पूरी टीम किसका है साहब? आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता माननीय राज्यसभा सांसद जो है मनोज झा जी, उनको क्लास लेने से ये भाजपा वाले लोगों ने रोक दिया। आप बात कर रहे हैं उनका क्लास, कोई अपरिहार्य कारणों से उनको क्लास नहीं लेने दिया, तो सोच लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी तो लोग। क्या लगता है आपको, देश का नाम इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए? सुनिए, यहाँ लड़ाई है, वोट की राजनीति है। उस राजनीति में इंडिया भारत क्यों घुसे रहे? इंडिया जब इंडिया IIN.IND. समझे क्या है? AI नहीं है, A.I यही ना? IA.INDIA DI.A ऐसे करके इन लोगों ने IIN.D.I.A तो इस तरह, सुनिए, इस तरह से जब किया गया, जब इंडिया लिखा गया, तो यही मोदी साहब के लोग ने और लोगों ने, सरकार के लोगों ने कहा कि डॉट लगाइए। और एनडीए में डॉट कभी लगा क्या? एनडीए देश का नाम थोड़ी है साहब। नेशनल देश का नाम है। क्या नाम है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। आखिर वो भी कहीं ना कहीं भारत के लोगों को जोड़ता है ना? जोड़ने की बात हो गई ना? तो इस तरह से अगर ये कर रहे, तो ये जब मुखबिरी करने वाले लोग, एजेंटगिरी करने वाले लोग, ये लोग देश के कभी नहीं हो सकते। देश के अब इतना सारा मैं पढ़ के दिखा दिया, ये सारा लिखा हुआ मैं दिखा देता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इन लोगों, ये लोग ने ऐसा अपने चुनावी अभियान में किया था। इस बार क्या कहेंगे? भारत दौड़ेगा, भारत खेलेगा। क्यों नहीं भारत क्यों नहीं खेल सकता? भारत क्यों नहीं दौड़ सकता? जब इंडिया दौड़ सकता है, इंडिया खेल सकता है, भारत भी तो दौड़ सकता है। इन लोगों ने 2 करोड़ रोजगार की बात किया, इन लोगों ने महंगाई कम करने की बात की, इन लोगों ने कहा कि क्या कहते हैं, देश उन्नत प्रदेश बनाएंगे। ये लोग प्रधानमंत्री जो है ना, टाई कोट वाले, अपने ऊपर जो करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, रविश कुमार जी का रिपोर्ट पढ़िए आप, जो विदेशों में भारत का पैसा बर्बाद किया जा रहा है मोदी के द्वारा, मतलब देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये प्रधानमंत्री ने कहा कि वो चुनावी एजेंडा था, जो हम रोजगार की बात किए, महंगाई कम करने की बात किए, वो जुमला था। तो ये जुमलेबाजों की सरकार है, ये कुछ भी कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, वेशभूषा बदल सकते हैं, किसी को भी इस देश से कह सकते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। ये हालात है। हम दलित हैं तो मुझे भी, देश की बात करेंगे तो मुझे नस्लाइट बोला जाएगा, आतंकवादी बोला जाएगा, बोला जाएगा क्या कि इन्हें भी पाकिस्तान भेज दिया जाए। ये हालात को भी बोलेंगे, दलित को भी, फिर सबका साथ सबका विकास। ये लोग सुनिए, हम लोग लाल कपड़ा हैं और वो लोग भैंसा है। जो लाल कपड़ा दे के भैंसा बिदक जाता है ना, वही भारतीय जनता पार्टी है। भैंसा है जो कि लाल कपड़ा दे के बिदक जाता है। चलिए, आपकी क्या राय है, भारत या इंडिया, आप किस नाम से हमारे देश को, हिंदुस्तान को बुलाना चाहेंगे, किस नाम से जानना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए प्राइम अड्डा, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।